चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का वर्चुअल शुभारंभ गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली से किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा के शहीदों पर आधारित 5 रुपए का एक डाक टिकट का विमोचन भी किया। समारोह में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ से वर्चुअल जुड़ी रहीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी भाषा में लोगों को प्रणाम करते हुए कहा कि देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों को नमन करता हूँ। 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वह सिर्फ एक थाने में आगजनी की घटना सिर्फ नहीं थी, बल्कि चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा व्यापक था। अनेकों वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी। चौरी चौरा संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान देने का प्रयास हो रहा है वह प्रशंसनीय है। इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चौरी चौरा का शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे यह कार्यक्रम पूरे 1 साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव क्षेत्र के वीर बलिदानों को याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। चौरी चौरा के शहीदों की जितनी चर्चा होनी चाहिए उतनी नहीं है। इस संग्राम के शहीदों क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह ना दी गई हो, लेकिन आज़ादी के लिए उनका खून देश की माटी में ज़रूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। इस पूरे अभियान से हमारे छात्र छात्राएं और युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। हमारे युवा जो अध्ययन करेंगे उससे उन्हें इतिहास की नई अनकहे पहलू पता चलेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों का स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने और शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि चौरी चौरा संग्राम की कितने ऐसे वीर सेनानी हैं जिनके जीवन को देश के सामने ला सकते हैं। चौरी चौरा शताब्दी के इन कार्यक्रमों को लेखन कला संस्कृति व आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास भी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में स्थानीय कला संस्कृति एवं आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का पारित बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया है। बजट में गांव को सड़कों बाजार से जोड़ने, रेल बस पुल रोजगार आदि का खर्च करने का प्राविधान किया गया है। जब निर्माण पर खर्च होगा तो युवाओं को रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही विकास का रास्ता खुलेगा। देश ने कोरोना काल में जिस तरह से इस महामारी से लड़ाई लड़ी और सफलता हासिल की उसकी चर्चा आज दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रांतिकारियों की धरती गोरखपुर विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ का बंद कारखाना चालू हो गया तथा एम्स बन रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं में काफी सुधार हुआ है। एंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को मुख्यमंत्री के प्रयास से नियंत्रित किया गया है जिसकी प्रशंसा सभी जगहों पर हो रही है। गोरखपुर में 8 शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा है। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। बेहतर आवागमन के दृष्टिगत 4 लेन एवं 6 लेन का निर्माण हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर अपने स्वागत संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से यह आयोजन हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन हेतु महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजन समिति का गठन किया गया है। यह महोत्सव हमारे लिए भारत माता के उन सभी बलिदानियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। उन्होंने कहा कि हम सभी इन आयोजनों के माध्यम से स्वदेशी स्वावलंबन व स्वच्छता की ओर अग्रसर हो सकेंगे। चौरी चौरा में देश की स्वाधीनता के लिए अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच संघर्ष में 3 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। इसके उपरांत 228 सेनानियों पर ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था जिनमें से 19 को मृत्युदंड, 14 को आजीवन कारावास दिया गया था, 57 को 5 वर्ष तथा 3 को 2 वर्ष की सजा हुई थी। आज से प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों व स्थलों पर 1857 से 1947 के बीच स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश के सीमाओं की रक्षा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अगले 1 वर्ष तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री, जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, सांसद कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, विधायक चौरी चौरा संगीता यादव, पिपराइज महेंद्र पाल सिंह, कैंपियरगंज फतेह बहादुर सिंह, बासगांव विमलेश पासवान, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मंडलायुक्त जयंत मालिका, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आभार ज्ञापन पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम चौरी चौरा पवन कुमार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति के साथ। और चौरी चौरा शताब्दी समारोह में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर आगमन, इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सब मंत्री जी का स्वागत करेंगे। और एक बार वंदे मातरम, वंदे, वंदे, वंदे। श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश पर्यटन धर्मार्थ मनोयोग से लॉन्च किया था, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद जब हमारे अस्थि कलश गंगा जल में प्रवाहित हो रही होंगे और कोई उनको सुनने का प्रयास करेगा तो उनमें से एकमात्र शब्द निकलेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज मैं बहुत भाव विभोर हूँ और माननीय मुख्यमंत्री को शब्द नहीं है मेरे पास धन्यवाद कहने का, क्योंकि चौरी चौरा महाराज जब इतना जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, आज ये आपकी सोच है कि चौरी चौरा इतिहास के पन्नों में ना केवल प्रदेश में बल्कि देश में भी एक अलग पहचान बनाएगा। इस चौरी चौरा की क्रांतिकारी धरती पर आज कार्यक्रम में हमारे माननीय लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं अपने चौबीस तक सम्मानित जनता की तरफ से उनका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। स्मारक के कायाकल्प के रूप में हम लोग देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके रेडी हूँ बहुत ज्यादा, मैं आभार प्रकट करती हूँ अपनी सम्मानित जनता की तरफ से। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से कुलपूज्य महाराज जी का चौरी चौरा के शहीद स्थल पर वीर सपूतों के धरती पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। ये सौभाग्य का विषय है आज हम सब लोगों के लिए। मैं लगातार 11 साल से यहां सांसद हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थल शहीद स्थल को जिस तरह एक नया जीवन देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आजादी के बाद इससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने इस पर सोचा भी होगा। साथी, ये बहुत बड़ा जो सपना था, आज भारत माँ के सपूतों, माँ भारती के सपूतों ने की वजह से आज हम लोग खुली सांसों ले पा रहे हैं। यहाँ पर 4 फरवरी 22 में जिस तरह हमारे चौरी चौरा का मान आजादी की लड़ाई में बढ़ा था, पर्यटन राज्य मंत्री माधेर नीलकंठ तिवारी जी, बिहार के लोकप्रिय सांसद माननीय कमलेश पासवान जी,
आखिरी गीता यादव जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण और क्षेत्रीय अध्यक्ष आदेश धर्मेंद्र सिंह जी, आदेश जिला अध्यक्ष जी, हमारे सामने बैठे हुए तमाम हजारों की संख्या में सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाई और बहन, आप हम लोग सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, लेकिन इस शहीदों को नमन करते हुए मैं केवल एक शहीद का उद्गार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपातकाल की राशि देने के वक्त अंग्रेजों के अधिकारियों ने पूछा था, तुम मरने जा रहे हो, क्या चाहते हो? उस शहीद का उद्गार आपको सबको समर्पित करना चाहता हूँ। उस शहीद ने कहा था, मैं आई एम नॉट गोइंग टू डाई बट आई एम गोइंग टू वार टू बी फ्री इंडिया। मैं मरने नहीं जा रहा हूँ बल्कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने जा रहा हूँ। ये उद्गार उनकी थी कि हम मरने नहीं जा रहे, देश के लिए स्वतंत्र भारत में जन्म लेने जा रहा हूँ। और उसी को आगे जोगी जी, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को आज शहीदी दिवस के नाम पर, शहीद महोत्सव के नाम पर, आपने ये बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है और देश को एक संदेश दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और शहीदों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित मदन मोहन मालवीय जी पर आगे हम एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, जिन्होंने इस चौरी चौरा जो 1922 में हुआ था उस पर 200 लोगों से ज्यादा लोगों को मुकदमा लड़कर बचाया था। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। हमारे देश के गौरव और अभिमान ये बताते हुए मुझे अति हर्ष का विषय हो रहा है कि हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया हम सब से ऑनलाइन जुड़ रही हैं। और इसी के साथ हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव में। पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ चौरी चौरा थीम सॉन्ग की प्रस्तुति संस्कृति विभाग के संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा।
बहुत बहुत आभार माननीय। और इसके बाद सूचना विभाग द्वारा चौरी चौरा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री है, जिस पर मैं निवेदन करूंगी माननीय से कि एक दृष्टि डालें। उत्तर प्रदेश की धरती धर्म और आध्यात्म की धरती है। दुनिया को मैत्री, करुणा एवं शांति का संदेश देती रही है। यहाँ अनेक अवतारों और तपस्वियों ने जन्म लिया, साथ ही ये धरती देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों की भी जन्मभूमि रही है। प्रथम स्वतंत्र समर 1857 से लेकर 1947 तक उत्तर प्रदेश जन क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा। अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही और उत्पीड़न के खिलाफ गोरखपुर के वीर सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। डुमरी स्टेट के बंधु सिंह के नेतृत्व में 1857 का स्वतंत्र समर आगे बढ़ा तो 6 जून 1857 को नरहरपुर स्टेट के राजा हरिप्रसाद मल्ल के नेतृत्व में बड़हलगंज पुलिस चौकी पर कब्जा हुआ। इसमें बढ़िया पार स्टेट ने भी सहयोग किया। कालांतर में गोरक्षपीठ के योगियों की परंपरा के महंत दिग्विजय नाथ जी ने गांधी जी की अगुवाई में स्थानीय स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं 1922 में भारत माँ के सपूतों ने गोरखपुर के ही चौरी चौरा के जन आंदोलन की चिंगारी से समूचे देश में आजादी की नई अलख जगा। चौरी चौरा में राष्ट्रभक्तों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक थाने को ध्वस्त कर अंग्रेजों के शासन को चुनौती दी थी। इस जन आंदोलन ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण, आज ऐसे सभी हमारे स्वतंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। आज हम चौरी चौरा की जन क्रांति के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में होने जा रहा है। प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना को ऐतिहासिक प्रत्यक्ष में रखते हुए प्रत्येक नागरिक तक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हम लोग आम जन के मन में एक भाव पैदा कर सकें, इस एक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ की गई है। ये समारोह वर्ष पर्यंत समूचे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से मनाया जाएगा। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़े। स्वरतः स्वराष्ट्रम रक्षेत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसके बाद मैं अति आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, वे अपने स्वागत संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शताब्दी महोत्सव शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में
आशीर्वाद प्रदान करने हैं। इसके लिए हम सब के साथ दिल्ली से जुड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज के समारोह में लखनऊ से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चौरी चौरा के इस महोत्सव में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, पर्यटन और संस्कृति के विभाग के मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चौरी चौरा के इस स्वतंत्र समर में शहीद होने वाले अमर सेनानियों के सभी परिवार के सदस्यगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित चौरी चौरा और उसके आसपास के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये समारोह हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता के अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदेश की माननीय राज्यपाल की अध्यक्षता में एक आयोजन समिति का गठन किया गया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय आज चौरी चौरा के इस महोत्सव के शुभारंभ के साथ ही वर्ष भर चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आज हमें प्रदान किया है। हम सब जानते हैं कि चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को देश की स्वाधीनता के लिए जो एक अमूल्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, जिसमें पुलिस और स्थानीय जनता के बीच में जो संघर्ष हुआ था, पुलिस की गोली से उस समय यहां पर 3 स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले यहां के सेनानी शहीद हुए थे और उसके उपरांत 228 पर उस समय की ब्रिटिश हुकूमत ने मुकदमा चलाया था, जिनमें 225 को विभिन्न प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत ने सजा दी थी, जिनमें 19 को मृत्युदंड
14 आजीवन कारावास, 19 को 8 वर्ष का कारावास, 57 को 5 वर्ष का कारावास, 20 को 3 वर्ष का कारावास और 3 को 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। लेकिन चोरी चोरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चोरी चोरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चोरी चोरा शताब्दी महोत्सव के डाक टिकट जारी करने, उनके मार्गदर्शन के साथ सायकालीन सत्र में कवि गोष्ठी का आयोजन, प्रत्येक शहीद स्मारक पर पुलिस बैंड के द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों का एक कार्यक्रम और उसके उपरांत प्रत्येक शहीद स्मारक पर दीपोत्सव का कार्यक्रम भी आज के प्रत्येक शहीद स्मारक पर प्रदेश के अंदर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष भर अलग अलग तिथियों में जो भी इस स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए अमर सेनानी थे उनसे जुड़े हुए स्मारकों और शहीद स्थलों पर उन तिथियों में मुख्य महोत्सव उन स्थलों पर करने के साथ ही अनेक सभी स्थलों को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ने, विद्यालयों में लेखन प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद की प्रतियोगिताओं और कवि सम्मेलनों के साथ ही 1857 से लेकर के 1947 तक देश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं उन सभी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित जितने भी उस प्रकार का साहित्य है उन साहित्य से जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रत्येक स्तर पर आयोजन होने के साथ ही इस पर विशिष्ट शोध को भी बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज का यह आयोजन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन जब आज के समारोह में हमें प्राप्त हो रहा है तो हम सबको इस बारे में विस्मित नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर स्वदेशी का भाव हो, स्वावलंबन का भाव हो, स्वच्छता के बारे में किस प्रकार का अभियान स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उस विकरालता से यहाँ के आम जनमानस को और यहाँ के मासूम बच्चों को बचाया है। यह स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की एक नई मिसाल और यह स्वच्छता, स्वदेशी, स्वावलंबन जो आज हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर कर रहा है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब इन आयोजनों के माध्यम से अग्रसर हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आज के समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति की पहली बैठक में अपना मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप आज एक कार्यक्रम यहां पर उद्घाटन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सभी सदस्यों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए
आप सबसे ये अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम देश के अंदर प्रदेश के अंदर अपने उन अमर सेनानियों के आदर्शों और उन उच्च जीवन आदर्शों के लिए जो आज हम लोगों ने इस शताब्दी महोत्सव का जो लोगो जारी किया है, ये लोगो भी उसी भाव के साथ उत्प्रोत है कि स्वरक्ते स्वराष्ट्रम रक्षे, यानी हम अपने रक्त से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, यानी तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे के भाव के साथ हम सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चोरी चोरा महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। इसके बाद एक डाक टिकट जिसका मूल्य मात्र 5 रुपए है, उसको कोई भी क्रय कर सकता है। संस्कृति विभाग के सहयोग से डाक विभाग प्रकाशित कर रहा है और मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि चौरी चौरा पर डाक टिकट जारी करें, रिमोट का बटन दबा। भगवान शिव अवतारी गोरक्षनाथ की धरती को प्रणाम करत बाटी। देवरहा बाबा के आशीर्वाद से ये जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरहा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सबै के नमन करण बाटी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले देश के स्वतंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया, लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आग थाने में नहीं लगी थी, आग जन जन के दिलों में प्रज्वलित हो चुकी थी।
चौरी चौरा के ऐतिहासिक संग्राम को आज देश के इतिहास में जो स्थान दिया जा रहा है, उससे जो जुड़ा हुआ प्रयास हो रहा है वो प्रशंसनीय है। मैं योगी जी उनकी पूरी टीम को इस काम के लिए बधाई देता हूं। आज चौरी चौरा की शताब्दी पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। आज से शुरू हो रहे ये कार्यक्रम पूरे साल आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान चौरी चौरा के साथ ही हर गांव, हर क्षेत्र के वीर बलिदानियों को भी याद किया जाएगा। इस साल जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। यह दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। अलग अलग गांव, अलग अलग आयु, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे। आजादी के आंदोलन में संभवतः ऐसे कम ही वाक्य होंगे, ऐसे कम ही घटनाएं होगी जिसमें किसी एक घटना पर 19 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत तो सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी देने पर तुली हुई थी, लेकिन बाबा राघवदास और महामना मालवीय जी के प्रयासों की वजह से करीब करीब 150 लोगों को फांसी से बचा लिया गया था। इसलिए आज का दिन विशेष रूप से बाबा राघवदास और महामना मदन मोहन मालवीय जी को भी प्रणाम करने का है, उनका स्मरण करने का है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस पूरे अभियान से हमारे छात्र छात्राओं, युवाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है। हमारे युवा जो अध्ययन करेंगे उससे उन्हें इतिहास के कई अनकहे पहलू पता चलेंगे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने भी आजादी के 75 साल पूरे होने पर युवा लेखकों को स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब लिखने के लिए, घटनाओं पर किताब लिखने के लिए, शोध पत्र लिखने के लिए आमंत्रित किया है। चौरी चौरा संग्राम के कितने ही ऐसे वीर सेनानी हैं जिनके जीवन को आप देश के सामने ला सकते हैं। चौरी चौरा शताब्दी के इन कार्यक्रमों को लोकल कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। मैं इस आयोजन के लिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और यूपी की सरकार की भी सराहना करता हूं। साथियों, सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की भलाई के लिए भी। आप कल्पना कीजिए, करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, आज भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया, जब भारत ने अनेकों देशों के हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा, जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है, जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी जरूर गर्व महसूस होता होगा। साथियों, इस अभियान को सफल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयासों की भी जरूरत है। इन भगीरथ प्रयासों की एक झलक हमें इस बार के बजट में भी दिखाई देती है। कोरोना काल में देश के सामने जो चुनौतियां आई, उनके समाधान को ये बजट नई तेजी देने वाला है। साथियों, बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर जो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। ये खर्च देश में चौड़ी सड़कें बनाने के लिए होगा, ये खर्च आपके गांव को शहरों से, बाजार से, मंडियों से जोड़ने के लिए होगा, इस खर्च में पुल बनेंगे, रेल की पटरियां बिछेंगी, नई रेल चलेगी, नई बसें भी चलाई जाएगी, शिक्षा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे युवाओं को ज्यादा अच्छे अवसर मिले, उसके लिए भी बजट में अनेक फैसले लिए गए हैं। और साथियों, इन सब कामों के लिए काम करने वालों की भी तो जरूरत पड़ेगी। जब सरकार निर्माण पर ज्यादा खर्च करेगी तो देश के लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। साथियों, दशकों से हमारे देश में बजट का मतलब बस इतना ही हो गया था कि किसके नाम पर क्या घोषणा कर दी गई। बजट को
वोट बैंक के हिसाब किताब का वही हिसाब किताब का वही खाता बना दिया गया था। आप सोचिए, आप भी अपने घर में आने वाले खर्चों का लेखा जोखा अपनी वर्तमान और भविष्य की जिम्मेदारियों के हिसाब से करते हैं, लेकिन पहले की सरकारों ने बजट को ऐसी घोषणाओं का माध्यम बना दिया था जो पूरी ही नहीं कर पाते थे। अब देश ने वो सोच बदल दी है, अप्रोच बदल दी है। साथियों, कोरोना काल में भारत ने जिस तरह से इस महामारी से लड़ाई लड़ी, आज उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। हमारे टीकाकरण अभियान से भी दुनिया के कई देश सीख रहे हैं। अब देश का प्रयास है कि हर गांव कस्बे में भी इलाज की ऐसी व्यवस्था हो कि हर छोटी मोटी बीमारी के लिए शहर की तरफ भागना न पड़े। इतना ही नहीं, शहरों में भी अस्पतालों में इलाज कराने में तकलीफ न हो, इसके लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। अभी तक आपको अगर कोई बड़ा टेस्ट या चेकअप कराना होता है तो आपको अपने गांव से निकल करके गोरखपुर जाना पड़ता है, या फिर कई बार आप लखनऊ या बनारस तक चले जाते हैं। आपको इन दिक्कतों से बचाने के लिए अब सभी जिलों में आधुनिक टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी, जिले में ही चेकअप की व्यवस्था होगी। और इसलिए देश ने बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहले से काफी ज्यादा खर्च की व्यवस्था की है। साथियों, हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में से में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। यहां यूपी में जो केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों का को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही,
बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। साथियों, आज ये प्रयास किस तरह देश की तस्वीर बदल रहे हैं, गोरखपुर खुद में इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। क्रांतिकारियों की ये धरती कितने ही बलिदानों का गवाह ये क्षेत्र, लेकिन पहले यहां क्या तस्वीर होती थी? यहां कारखाने बंद हो रहे थे, सड़कें खस्ता हाल थी, अस्पताल खुद में बीमार हो गए थे। लेकिन अब गोरखपुर खाद कारखाना फिर से शुरू हो रहा है, इसमें किसानों को भी लाभ होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज गोरखपुर में एम्स बन रहा है, यहां का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हजारों बच्चों का जीवन बचा रहे हैं। पिछले कई दशकों से यहां इंसेफेलाइटिस, जिसका उल्लेख अभी योगी जी ने किया, बच्चों का जीवन निगल रही थी, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर के लोगों ने जो काम किया, अब उसकी प्रशंसा दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं कर रही हैं। अब तो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर में भी नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। साथियों, पहले पूर्वांचल की एक और बड़ी समस्या थी, आपको याद होगा, पहले अगर किसी को 50 किलोमीटर भी जाना होता था तो भी 3-4 घंटे पहले निकालना पड़ता था। लेकिन आज यहां 4 लेन और 6 लेन सड़कें बन रही हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर से 8 शहरों के लिए फ्लाइट की भी सुविधा बनाई गई है। कुशीनगर में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहां टूरिज्म सेक्टर को भी आगे बढ़ाएगा। साथियों, ये विकास, आत्मनिर्भरता के लिए ये बदलाव आज हर स्वतंत्रता सेनानी को देश की श्रद्धांजलि है। आज जब हम चौरी चौरा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, तो हमें इस बदलाव को सामूहिक भागीदारी से आगे बढ़ाने का संकल्प लेना है। हमें यह भी संकल्प लेना है कि देश की एकता हमारे लिए सबसे पहले है, देश का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ा है। इसी भावना के साथ हमें हर एक देशवासी को साथ लेकर आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है, जो यात्रा हमने शुरू की है, उसे हम एक नए भारत के निर्माण के साथ पूरा करेंगे। मैं फिर एक बार शहीदों की इस शताब्दी के वेला पर पूरे साल भर एक बात न भूलें कि वे देश के लिए शहीद हुए थे। वे शहीद हुए, उसके कारण आज हम स्वतंत्र हुए। वे देश के लिए मर सके, अपने आप को मार सके, अपने सपनों को आहूत कर सके, कम से कम हम मरने की नौबत तो नहीं है, लेकिन देश के लिए जीने का संकल्प जरूर लें। उन्हें सौभाग्य मिला देश के लिए मरने का, हमें सौभाग्य मिला देश के लिए जीने का। ये पूरा शताब्दी वर्ष चौरी चौरा के शहीदों का स्मरण करते हुए
ये हमारे लिए संकल्प का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए सपनों को साकार करने का वर्ष बनना चाहिए, हमारे लिए जी जान से लिए जन जन की भलाई के लिए जुट जाने का बनना चाहिए, तभी ये शहादत का 100 साल हमें नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अपने आप में अवसर बन जाएगा और उनकी शहादत हमारी प्रेरणा का कारण बनेगी। इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फक्र होता है और आपको तो ज्यादा ही गर्व होता होगा कि आदरणीय योगी जी 2017 में जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना प्रारंभ किए, एक ही लक्ष्य, एक ही भाव, एक ही सोच, हर मिनट हर क्षण एक ही कार्य, वह कार्य है, वह भाव है, वह सोच है, अपने उत्तर प्रदेश को गौरवशाली, वैभवशाली, सामर्थ्यशाली, विकसित और उत्तम प्रदेश बनाने का, उस भाव को लेकर के दिन रात हम लोगों के एसएसपी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। जरा सोचिएगा उत्तर प्रदेश में 2017 के पूर्व क्या होता था। 2017 के पूर्व भ्रष्टाचार और अपराध ने पूरे प्रदेश को ग्रसित कर लिया था। हमारे जो गौरव के पक्ष थे, हमारे जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए पक्ष थे, उनको भुला दिया गया था। लेकिन आदरणीय योगी जी के आने के बाद जरा याद करिए, अयोध्या का दीपोत्सव याद करिए, ब्रज का रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, प्रयाग का महाकुंभ याद करिए, अभी कुछ दिन पहले ही महर्षि वाल्मीकि के जन्म जयंती पर पूरे सभी जिलों में अखंड वाल्मीकि रामायण का पाठ और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते वाल्मीकि धाम पर उस अखंड रामायण का प्रारंभ करने का काम करते हैं। यह भाव है उत्तर प्रदेश के गौरव को स्थापित करने का, मान को बढ़ाने का। मैं आभार व्यक्त करता हूं और गौरव का अनुभूत करता हूं उनके साथ काम करके कि आज हम पुनः अपने स्वतंत्र वीरों को याद करने का, उनके कृपा से, उनके मार्गदर्शन से अवसर प्राप्त कर रहे हैं और पूरे साल भर की विभिन्न कार्यक्रमों, हर स्तर पर हर वर्ग को जोड़ते हुए, हर स्वतंत्र वीरों को जोड़ते हुए, स्वतंत्र स्थलों को जोड़ते हुए कार्यक्रम को आदरणीय योगी जी ने पूरी तरह से अपने मार्गदर्शन में प्लान किया है और पूरे साल भर तक यह कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में उनके उपस्थिति से हम लोग गौरवान्वित हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहां पर उपस्थित माननीय मंत्री रामप्रसाद शास्त्री जी का भी धन्यवाद देता हूं, सभी सांसद विधायकगण का भी धन्यवाद देता हूं, सभी हमारे अधिकारियों का जिन लोगों ने दिन रात एक करके इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। भाइयों बहनों, आप लोग इतनी भारी संख्या में आए, आपका भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं और शीश झुका करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे बीच उपस्थित होकर के वर्चुअल माध्यम से प्रेरणादायी अपना उद्बोधन दिया और हमें राष्ट्र के भाव का जो मंत्र है उस मंत्र को बताने का काम किया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी राज्यपाल जी को भी, उनका भी अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। राष्ट्र धुन बजाएगा जिसके लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Thank you.
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चौरी चौरा शहीदों के स्मरण के लिए शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं तथा माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी अध्यक्षता करते रहे हैं। साथ ही साथ इसमें राज्यपाल महोदया भी जुड़ी थी। इसमें जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों थे उनको सम्मानित करने का प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही साथ यहाँ लोकल कलाकारों को एक मंच प्रस्तुत किया गया जिनसे उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आए। ये कार्यक्रम को वैसे तो वर्ष पर्यंत चलने वाला है लेकिन फिलहाल अभी जो हम लोगों ने स्टेज तैयार किया है वो विगत दो दिनों के लिए है। इसके बाद समय समय पे जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलेगा हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे।